iPhone 13 Pro versus iPhone 14 Pro. So hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे iPhone 13 Pro को iPhone 14 Pro से और ये देखेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और अगर आपके पास iPhone 13 Pro पहले से है तो क्या आपको iPhone 14 Pro में अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं. So let's find out. तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइजेस की. iPhone 13 Pro आपको मिलता है 130,000 रुपए का एंड अगर ग्लोबल वेरियंट की तरफ जाओगे तो अराउंड 80,000 रुपीज के आसपास आपको मिल सकता है. लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएंट खुद जाके लेके आते हो, फॉर एग्जांपल यूएस से या फिर किसी और कंट्री से, तो आपको काफी सस्ता देखने को मिल सकता है. इसमें एक चीज का ध्यान देना, अगर आप यूएस से मंगवाते हो तो आपको ये सिम ट्रे वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि सिम डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ड्यूअल ई सिम का ऑप्शन मिलेगा. तो इस चीज का ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो आईफोन परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा. तो चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड की. यहाँ पे देखने में तो आपको कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही फोन जो है ये ब्लैक कलर के हैं. आईफोन 13 प्रो ग्रेफाइट ब्लैक कलर का है एंड आईफोन 14 प्रो स्पेस ब्लैक कलर का है. इसके बैक साइड पे आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, इसके फ्रंट साइड पे आपको सिरेमिक शील्ड वाला ग्लास मिल जाता है एंड ऑल्सो स्टेनलेस स्टील की चारों तरफ आपको एडजेस देखने को मिल जाती है जो कि फ्लैट एडजेस हैं. फोन के डायमेंशंस की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इन दोनों की थिकनेस में हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. आईफोन 13 प्रो 7.7 mm का है एंड आईफोन 14 प्रो 7.9 mm का है. हालांकि अगर आप इन दोनों को अलग अलग यूज करोगे तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोनों को साथ में रखोगे तो बहुत ही ज्यादा माइनर सा डिफरेंस समझ में आएगा. वेट की बात करूं तो यहाँ पे 2 ग्राम का डिफरेंस देखने को मिल जाता है. दोनों के दोनों IP68 वाटर रेसिस्टेंट है, यानी कि दोनों को आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स एंड दोनों सरवाइव कर जाएंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आपको जो पुराना वाला नॉच था ये चेंज होके अब आपको मिलता है डायनामिक आइलैंड. तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डिस्प्ले. आईफोन 13 प्रो में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है जो कि एक OLED डिस्प्ले है जो कि सपोर्ट करता है HDR10 को. ऑल्सो 120Hz वाला प्रोमोशन डिस्प्ले है जो कि स्विच कर सकता है 10Hz से लेकर 120Hz तक. ऑल्सो डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है एंड अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करो तो ये 1000 nits है एंड इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 nits तक की है. वहीं अगर बात करूं iPhone 14 Pro के डिस्प्ले की तो ये 6.1 इंचेस का LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है जो कि डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, HDR10 को सपोर्ट करता है. आल्सो ये भी एक प्रमोशन डिस्प्ले है 120Hz वाला, लेकिन ये जा सकता है 1Hz तक क्योंकि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि iPhone 13 Pro में नहीं है. अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो ये 1000 nits की रेगुलर ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप इसको आउटडोर में यूज करते हो तो ये 2000 तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है जो कि किसी भी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा आज के डेट में. दिस इज द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन एनी स्मार्टफोन. ऑल्सो यहाँ पे एक और चेंजेस किए गए. अगर आप दोनों ही डिस्प्लेस को ध्यान से देखते हो तो आप देख पाओगे कि आईफोन 14 प्रो का डिस्प्ले जो है ये ज्यादा वाइडर है, यानी कि इसकी जो बेजल्स है ये काफी छोटी है, काफी पतली है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो. तो डिस्प्ले को और ज्यादा वाइडर कर दिया गया है एंड इसके रिजोल्यूशन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. आईफोन 13 प्रो में 1170x2532 के पिक्सल्स है जिसके पिक्सल 460 PPI है. वहीं iPhone 14 Pro में आपको 1179x2556 pixels देखने को मिलते हैं जिसकी अगेन पिक्सल डेंसिटी 460 PPI है. ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपको किसी भी दूसरे iPhone में नहीं देखने को मिलता. एंड इसके डिस्प्ले में आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाता है जिसने कि पूरी फोन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है. एंड ये डायनामिक आइलैंड काफी इंटरेस्टिंग चीज है. अगर आप इसके ऊपर टैप करते हो तो ये रिस्पॉन्ड करता है, जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो भी ऊपर यहाँ पे आपको एनिमेशंस देखने को मिलेंगे. जिसके अलावा अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ यूज करते हो तो ये एक मिनी डॉग की तरह काम करता है. सिर्फ इसी डायनामिक आइलैंड की वजह से काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि उनको आईफोन 14 प्रो में स्विच करना है. एंड देखा जाए तो ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है जिसकी वजह से आपको इसमें स्विच करना पड़े. इसकी बात हम कंक्लूजन में करेंगे, फिलहाल अभी बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंसेस की. तो चलो अब बात कर लेते हैं दोनों के चिपसेट की. आईफोन 13 प्रो में मिलता है आपको A15 बायोनिक चिप, वहीं आईफोन 14 प्रो में मिलती है A16 बायोनिक चिप. A15 बायोनिक चिप 5 नैनोमीटर की चिप है एंड वहीं A16 बायोनिक चिप 4 नैनोमीटर की चिप है, यानी कि चिप का साइज और भी ज्यादा कम कर दिया गया है एंड इसकी परफॉर्मेंस को और एनहांस किया गया है. दोनों में ही आपको 6GB की रैम मिल जाती है, दोनों में ही आपको 5 core GPU मिलता है एंड दोनों में ही आपको hexa core CPU मिलता है. तो ये तो सारी ऑन पेपर बातें होती है. अब कर लेते हैं इन दोनों का Geekbench टेस्ट ताकि हमको इनके स्कोर्स का पता चल सके. जब मैंने रन किया इन दोनों का CPU benchmark तो यहां पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट दोनों ने एक साथ ही खत्म किया, थोड़ा बहुत डिफरेंस था इन दोनों
की टाइमिंग्स में। और अगर बात करूं स्कोर्स की, तो आईफोन 13 प्रो का सिंगल कोर का स्कोर था 1732, मल्टी कोर का स्कोर था 4815, वहीं आईफोन 14 प्रो का सिंगल कोर का स्कोर था 1870 एंड मल्टी कोर का स्कोर 5363। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के ही आई मूवी में एक्जैक्टली सेम फाइल को डाला हुआ है एंड दोनों को एक साथ रेंडर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ने ही एक्जैक्टली सेम टाइम पे खत्म किया। शायद ये आधे सेकंड का डिफरेंस था, ये बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस है। आप डे टू डे लाइफ में अगर इसको यूज करते हो, इवन हैवी टास्क भी करते हो, तो भी आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। दोनों के दोनों एक्जैक्टली सेम काम करते हैं। तो अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों का गेमिंग टेस्ट। दोनों में ही आपको एक्जैक्ट सेम ग्राफिक्स मिलेंगे, एक्जैक्ट सेम डिस्प्ले है 120fps वाला, तो आपको 90fps वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक्जैक्टली सेम है। तो अगर गेमिंग वाइज इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बैटरी, बिकॉज जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आईफोन 13 प्रो में मिलती है आपको 3095mAh की बैटरी, वही आईफोन 14 प्रो में आपको मिलती है 3200mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आपको हल्के से ज्यादा mAh देखने को मिल रहे हैं। एप्पल ने क्लेम करा है कि आपको एक घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन आईफोन 14 प्रो में अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो ये आपको आईफोन 13 प्रो से भी कम बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप आईफोन 13 प्रो से स्विच करते हो आईफोन 14 प्रो में, तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा इन दोनों की बैटरी बैकअप में, बिकॉज ये आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। बाकी इसकी चार्जिंग स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो ये आपके फोन को 50% चार्ज कर देगा 30 मिनट्स में। तो गाइज अब बात कर लेते हैं उन स्पेशल फीचर्स की जो कि आपको आईफोन 13 प्रो में नहीं मिलते हैं एंड सिर्फ आईफोन 14 प्रो में मिलते हैं। तो सबसे पहला फीचर है क्रैश डिटेक्शन। बाय चांस अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है तो आपका फोन डिटेक्ट कर लेगा कार एक्सीडेंट हुआ है, ये उस जी फोर्स को डिटेक्ट कर लेगा एंड ये इमरजेंसी कॉल लगा देगा और ऑल्सो उनके पास आपकी लाइव लोकेशन सेंड कर देगा ताकि आपके पास जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। इसके अलावा एक दूसरा फीचर सैटेलाइट कॉलिंग, ये भी सेम फीचर है जो कि आपको आईफोन 14 में भी मिलता है एंड आईफोन 14 की पूरी सीरीज में मिलता है। अगर बाय चांस आप किसी ऐसे एरिया में पहुंच जाते हो जहां पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हो, तो वहां से आप कॉल कर सकते हो अपने नियरेस्ट इमरजेंसी सेंटर तक। ऑल्सो आप सैटेलाइट के थ्रू अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हो। तो ये फीचर तो कमाल का हो जाता है, लेकिन ये फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ US एंड कैनेडा में, ये दो ही कंट्रीज में काम कर रहा है। इसके अलावा तीसरा, इसमें डायनामिक आइलैंड मिलता है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं तो यहाँ पे काफी अच्छे खासे एनिमेशंस देता है एंड एक मिनी डॉग की तरह काम करता है। आप अपनी होम स्क्रीन में रह के एंड दो टास्क आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो आपको ऐप स्विचर खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से टैप करके आप जा सकते हो एंड ये फेस आईडी वगैरह ओपन होती है तब ये काफी अच्छे खासे एनिमेशंस देता है जो कि दूसरे फोन से काफी ज्यादा डिफरेंट बना देता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। आईफोन 13 प्रो में आपको 12 मेगापिक्सल के 3 लेंसेज देखने को मिल जाते हैं जिनके अपर्चर कुछ इस प्रकार है। आईफोन 14 प्रो में आपको 3 लेंसेज देखने को मिलते हैं जिसमें से प्राइमरी लेंस आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 3 और लेंसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको टोटल 4 लेंसेज हो जाते हैं। फिजिकली 4 लेंसेज नहीं है लेकिन आपको 4 लेंसेज का ऑप्शन मिलेगा। पहला 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, दूसरा उसी लेंस को ये क्रॉप करके दूसरा टेलीफोटो लेंस क्रिएट करता है, तीसरा एक अलग आपको ओरिजिनल जो टेलीफोटो लेंस है वो देखने को मिलेगा और चौथा आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। इस बार के फ्लैश को भी रीडिजाइन किया गया है। इसके अलावा 14 प्रो में आपको फोटोनिक इंजन देखने को मिल जाता है जो कि कलर्स वगैरह पे काफी ज्यादा काम करता है, आपको काफी एक्यूरेट कलर्स देता है। ऑल्सो इस बार के फ्रंट कैमराज में आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी कमाल की चीज हो जाती है। ऑल्सो इस बार के 14 प्रो में आपको सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट देखने को मिल जाता है जो कि एप्पल का कहना है कि इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो के। बाकी इस बार के नाइट मोड वगैरह को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो चलो अब इन दोनों का हेड टू हेड कंपैरिजन देख लेते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। अब इन इमेजेस में जो मैंने डिफरेंसेस देखे वहां पे मुझे सिर्फ एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया जो कि है इन दोनों के वाइट बैलेंस का। एंड यहाँ पे इमेजेस हल्की सी ज्यादा शार्प देखने को मिली, जो दोनों में कलर्स थे कलर्स का काफी ज्यादा डिफरेंस मुझे दोनों में दिखा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कलर एक्यूरेसी पिक के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो जो फोटोनिक इंजन है काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आपको इन दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आप एकदम प्रो लेवल में यूज करना चाहते हो तब जाके आपको शायद डिफरेंस समझ में आए इसका। अगर साइड बाय साइड इन दोनों को देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम है ये। अगर बात करूं इसके टेलीफोटो की एंड इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, तो ये तो ऑलमोस्ट सेम है। बहुत ही ज्यादा माइनर सा फर्क आपको समझ में आएगा बिकॉज ऑफ फोटोनिक इंजन। हाँ, इस 48 मेगापिक्सल का एक फायदा जरूर है कि ये आपको एक एडिशनल लेंस प्रोवाइड करता है। आईफोन 13 प्रो में आपके पास 1x के बाद सीधा 3x का ऑप्शन होता था जिसकी वजह से डिस्टेंस, वो जो जूम है वो बहुत ज्यादा हो जाता था। अगर आपको 2x में खींचना है तो आपके पास डिजिटल जूम ही एक ऑप्शन होता था जिसमें आपकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा गिर जाती थी। लेकिन अब आप इस 48 मेगापिक्सल का इस तरीके से यूज कर सकते हो कि डायरेक्ट 2x में
फुल फ्रेम में आप इसको शूट कर सकते हो। डेफिनेटली 48 मेगापिक्सल से वो क्रॉप होकर 12 मेगापिक्सल पे आएगा, लेकिन ये बरोबर उतनी ही क्वालिटी प्रोवाइड करेगा जितना कि आप टेलीफोटो या फिर मेन लेंस से शूट करते हैं आईफोन 13 प्रो में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आप आईफोन 13 प्रो को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। वहां पे आपके पास सिर्फ 2x का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे के सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोनों में ही आप 4K 60fps पे HDR शूट कर सकते हो। दोनों में ही आपको ProRes का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिनेमैटिक मोड 13 प्रो में आप 1080p एट 30fps पे शूट कर सकते थे, लेकिन 14 प्रो में अब आप सिनेमैटिक मोड 4K एट 30fps एंड 24fps पे शूट कर सकते हो। इसके अलावा अब आपको एक्शन मोड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये बेसिकली आपके शॉट को एकदम स्मूथ बना देगा, ये आपके गिम्बल का काम एकदम खत्म सा कर देता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज वीडियो शूट करता है। इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसको काफी ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, लेकिन एक चीज का इसमें भी ध्यान रखना कि ये 2.5K में करता है, तो आपकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो डिक्रीज हो सकती है अगर आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 4K में बनाया हुआ है। तो गाइस ये तो थे इन डेप्थ कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं क्या आपको आईफोन 14 प्रो की तरफ जाना चाहिए अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो पहले से है। तो देखो, अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए सोच रहे हो एंड आपके पास आईफोन 13 प्रो पहले से है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा 14 प्रो में जाने के लिए, बिकॉज वहां पे आपको रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो मैंने आपको बता दिया इन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे लेंस का यानी कि 2x का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके अलावा एक्शन मोड एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर इन दो चीजों का आपको यूज है तो हाँ, स्विच कर सकते हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। 13 प्रो का कैमरा बहुत कमाल का है। तो देखो, ऑलरेडी जो चीज इतनी कमाल की है उसमें अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे भी तो यार बहुत माइनर से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, कोई आपको ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है, अगर इस वजह से आप अपग्रेड करना चाहते हो तो हाँ कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 8 है या फिर सीरीज SE है या फिर अगर अल्ट्रा है, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम उसमें भी हो जाएगा, वो भी सेम फीचर आपको प्रोवाइड करता है। रही बात इसके अदर फीचर की, जो कि सैटेलाइट वाला फीचर है, वो तो यहाँ पे अभी सपोर्ट देखने को मिलेगा भी नहीं आपको इंडिया में, एंड अगर आप अब्रॉड वगैरह ट्रैवल करते हो तो वहां पे हो सकता है आपके ये चीज काम आ सके। अब एक लास्ट रीजन जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि लेना चाहिए कि नहीं, वो है डायनामिक आइलैंड। सो डायनामिक आइलैंड इज अ गुड फीचर, लेकिन इससे आपको कुछ एडिशनल नहीं मिलने वाला है। अगर आपको शो ऑफ वगैरह करना है, किसी और के सामने दिखाना है, हाँ भाई मेरे पास 14 प्रो है, तो हाँ डेफिनेटली आप ले सकते हो। बाकी ये फीचर जो है ये किसी काम नहीं आएगा आपके, बेसिकली ये सिर्फ एनिमेशन आपको दिखाएगा कि हाँ जब भी आप फेस अनलॉक करते हो या फिर चार्जिंग पे लगाते हो, यहाँ पे इंडिकेशन जरूर से देता है, लेकिन ये एक्चुअली किसी काम का नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एज अ डॉग यूज कर सकते हो आप, तो इसको सिर्फ काफी लिमिटेड चीजें हैं जिसमें यूज कर सकते हो आप, ये हर एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं करेगा, हर एप्लीकेशन आपका ऐसे ऊपर डॉग बन के नहीं चला जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो पहले से है तो मैं कहूंगा कि एक साल और वेट करो, आईफोन 15 प्रो का वेट करो, वहां पे आपको डेफिनेटली काफी अच्छे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप आईफोन 12 प्रो से अपग्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली अपग्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिल रहा है, कैमरास 12 प्रो के कंपैरिजन में काफी अपग्रेडेड है, तो डेफिनेटली अगर 12 प्रो से आ रहे हो तो जा सकते हो, 13 प्रो से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह भी एक्जैक्टली सेम है, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ सेम मिलने वाली है आपको। एंड हर वीडियो में मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि हर साल आपको फोन चेंज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल यूज करना चाहिए, तब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू भी मिलती है एंड उस फोन का अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी हो जाता है। अगर आप अभी की डेट में अपना F13 प्रो सेल करते हो तो काफी ज्यादा नुकसान भी होगा, एंड इसको नेक्स्ट ईयर सेल करते हो तो एज कम्पेयर टू आज के कम नुकसान होगा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। तो आप क्या सोचते हो आईफोन 14 प्रो के बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।